हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार सिंह एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूँ हमारे इस ऑनलाइन लाइव क्लास में, जहाँ सीखते हैं आप कंप्लीट रिपोर्ट ऑटोमेशन, एमआरएफ रिपोर्ट ऑटोमेशन। आईपीटी एक्सेल स्कूल के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम बात करने जा रहे हैं पावर बीआई। हम बात करेंगे कि पावर बीआई को कैसे यूज करेंगे, क्या बेनिफिट है इनके बारे में। तो जानते हैं कि पावर बीआई करता क्या है, सबसे पहले इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं आपके साथ। बेसिकली आपने देखा होगा डैशबोर्ड, आपने एक डैशबोर्ड के नाम सुना होगा जिसको आजकल डेटा विजुअलाइजेशन, रिपोर्ट विजुअलाइजेशन कहा जाता है। हम लोग जब अपने शुरुआती में जब यूज किए थे इसको तो डैशबोर्ड कहते थे, समरी या डैशबोर्ड कहते थे। एक्सेल के जरिए हम लोग बनाते थे, लेकिन एक्सेल के जरिए बनाने में काफी प्रॉब्लम होती थी। एज ए सिंपली हम डैशबोर्ड ही तैयार कर सकते थे। अगर आप डैशबोर्ड बनाना चाहते हैं तो एक्सेल में अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। पावर बीआई इसी चीज को ब्रेक करता है और आपको विद इन मिनट, विद इन 5 मिनट 10 मिनट में एक इंटरैक्टिव डैशबोर्ड बना के देता है। और इसको सीखने में कोई बड़ी बात नहीं है, आप इजीली सीख सकते हैं। हाँ, इसका बहुत एडवांस रूप से लेकर इतना सीख सकते हैं जिससे आप अपना डैशबोर्ड तैयार कर सकते। तो चलिए हम बात करते हैं किस तरह की डैशबोर्ड होता है। तो अभी मैंने जो आपके सामने स्क्रीन को शेयर किया है, देखिए डैशबोर्ड या डैशबोर्ड के सैंपल्स या रिपोर्ट को जानने के लिए आपको सिंपल सा गूगल करना चाहिए। मैं इसको ब्राउज करता हूँ, मैं एक बार गूगल पे खोलता हूँ। गूगल पेज में मैं यहाँ सिंपल सा पावर बीआई डैशबोर्ड, पावर बीआई डैशबोर्ड और इसकी इमेज सेक्शन देख रहे हैं। इस तरह की जो डेटा विजुलाइजेशन जो आप देख रहे हैं, इस तरह की विजुलाइजेशन क्रिएट की जाती है पावर बीआई। जी हाँ, पावर बीआई। अक्सर ये पावर बीआई के बारे में जानते हैं। पावर बीआई माइक्रोसॉफ्ट का है, सिमिलर टू टैब्लू। टैब्लू और पावर कंपेयर की जाए तो आई थिंक 80% 90% दोनों सेम है। कुछ चीजें अलग है, अलग तो होगी ना सर, तो कुछ चीजें अलग है, बाकी 90% सेम। पावर बीआई माइक्रोसॉफ्ट का है और मुझे लग रहा है कि पावर बीआई इन फ्यूचर में बहुत इस्तेमाल करने वाला है। क्यों? क्योंकि टैब्लू को परचेज करना थोड़ा सा टफ है। अगर चलिए मैं तो इससे पहले पावर ये काम हम टैब्लू से करते थे, बस हम पावर बीआई को इजी कर सकते। सबसे पहले इसका डेस्कटॉप वर्जन फ्री है, डेस्कटॉप वर्जन का फ्री है, कोई भी पर्सन डेस्कटॉप वर्जन का डाउनलोड करके यूज कर सकता है। इसकी पेमेंट करनी है किसकी, तो पेमेंट करनी है आपको इसकी जो सर्वर है, क्लाउड है या वेब वर्जन है उसके। अगर रिपोर्ट शेयर करोगे कुछ करोगे उसके लिए, अब देख लीजिए 660 सिमिलर टू आपका एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस का भी 530 के आसपास की 65 का मंथली है वो आपका। ये एक मंथली पर यूजर जो है पावर बी आई स्टोर प्रीमियम है, तो प्रीमियम ये आपका जो है पर यूजर है और प्रीमियम जो है आपका ये आप इसमें आप जो है कंपनी वगैरह परचेज करती है, जिसमें उनको मल्टीपल से बहुत सारे इंप्लॉई को बांटना होता है उनके लिए। अब हम टैब्लू की बात करें, चलिए टैब्लू की प्राइसिंग को देख लेते हैं। टैब्लू का प्राइसिंग क्या है? सबसे पहले कि टैब्लू को हम डाउनलोड नहीं कर पाए ना, हमें ट्रायल फॉरवर्ड का ट्रायल वर्जन मिलता है। पर इसका डेस्कटॉप वर्जन, इसका पब्लिक वर्जन है, पब्लिक वर्जन में बहुत सारे फीचर्स नहीं होते। ओके, ये आपका 40 डेज का ही आपको ट्रायल देता है, आप इसको फ्री डाउनलोड नहीं कर सकते। दूसरी चीज इसकी अगर हम प्राइसिंग के बारे में देखें तो ये देखिए $70 मंथ या $70 मंथ जो है इसका पर यूजर एजुकेटर। अब सोच सकते हैं कहां $70 कहां तो $9। अब एक ऑर्गेनाइजेशन इसको करता है तो ये यहाँ पर $70 एवरेज व्यूअर जो है रिपोर्ट को देखना है। अगर मान लीजिए कि टैब्लू को यूज कर रहा है, टैब्लू को रिपोर्ट आपको दे दिया, उस रिपोर्ट को व्यू करने के लिए आपको टैब्लू व्यूअर के लिए $12 मंथली पे करना है। तो मेरे हिसाब से जैसा इंडिया का हालात है,
पावर बीआई आगे बढ़ने वाला है और मुझे लग रहा है क्योंकि मेरी एनालिसिस कर रही है क्योंकि टैबलो पावर बीआई के बाद टैबलो के बाद पावर बीआई आया और पावर बीआई उसके टक्कर में आ गया, तो पावर बीआई इंपोर्टेंट। अब बात करते हैं कि पावर बीआई को डाउनलोड कैसे करें। देखिए पावर बीआई को डाउनलोड इजीली किया जा सकता है, आप इसको मोबाइल से भी डाउनलोड कर सकते हैं, आपके पीसी पे भी डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे डाउनलोड करना है मैं बताता हूँ। पावर बीआई आपको यहाँ खुलेगा, यहाँ पे दिख रहा है आपको स्टार्ट फ्री से क्लिक कीजिए, स्टार्ट फ्री और यहाँ पे ट्रायल फ्री भी है, इसलिए आपको 180 दिन का टाइम पीरियड देता है, बाद में बढ़ भी जाता है तो इसकी कोई बात नहीं। तो यहाँ से आप सिंपली इसको डाउनलोड कर सकते हैं, पर इसके लिए आपको यहाँ पे कंपनी का आईडी देना होगा। जी हाँ, कंपनी की जो आईडी है वो आईडी आपको देना होगा। या अगर कॉलम है तो गूगल का आइए हम बात करते हैं, पावर बीआई डाउनलोड डाउनलोड से सीधे आ जाएंगे आप पावर बीआई डाउनलोड डाउनलोड। इसके लिए रजिस्ट्रेशन यहाँ पर साइन अप करना पड़ रहा है, लेकिन कंपनी का आईडी से आपको साइन अप करना पड़ेगा। यहाँ इन तक छोटी सी दिक्कत दे दी है, बट मेरे पास साइन इन का ऑप्शन है, मैं तो साइन कर लेता हूँ। आपको यहाँ आपके पास कोई जीमेल वगैरह से या लॉगिन नहीं बनता है, प्रॉब्लम यहाँ की छोटी सी प्रॉब्लम यहाँ पर है। अगर आपको उसकी आईडी बनानी है तो आपको यहाँ देखिए कॉल दिया ictindia.com दिख रहा होगा, इस तरह की आईडी से आपको बनाना पड़ेगा। आप एक बार आईडी आपने क्रिएट किया देन पावर बीआई को इजीली आप डाउनलोड कर सकते हैं। पावर बीआई का वेब वर्जन है। अब पावर बीआई को अगर मैं डाउनलोड करना चाहता हूँ तो इजीली डाउनलोड कर सकता हूँ, साइन अप कीजिए और पावर बीआई को डाउनलोड कर लीजिए। तो पावर बीआई की डाउनलोड पावर बीआई प्लान डाउनलोड भी जाइएगा, तो यहाँ आपको पावर बीआई माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई को डेस्कटॉप दिख रहा है, यहाँ डाउनलोड भी क्लिक कर सकते हैं। कई सारे वर्जन है इसके, पावर बीआई को डेस्कटॉप, पावर बीआई को मोबाइल, तो बाकी और भी पावर बीआई को बिल्डर और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो आपको पावर बीआई डेस्कटॉप डाउनलोड करना है और यहाँ पे देखिए डेस्कटॉप पे डाउनलोड करेंगे तो ये आपको क्रोम में सीधे ओपन हो जाएगा। आपकी जो माइक्रोसॉफ्ट स्टोर है उसे स्टोर में ओपन आता है, तो नीचे आपको दिख रहा है एडवांस डाउनलोड ऑप्शन, इस पे क्लिक कीजिएगा तो आपको क्रोम में इसमें गूगल गूगल स्टोर में ओपन नहीं करेगा। देन इस पे क्लिक कीजिए एंड आपको पूछेगा कि आपका कौन सा बिट है, जो बिट है उसको सेलेक्ट कीजिए एंड डाउनलोड कर लीजिए। जब पावर से डाउनलोड हो जाएगा तो उसको इंस्टॉल करना कोई बड़ी बात नहीं, सिंपल स्टेप में इंस्टॉल हो जाता है। कोई SQL की तरह या कोई और की तरह बहुत सारी चीजें नहीं पूछता है, कुछ और सेटिंग वेटिंग करने की जरूरत नहीं है, सिंपली आपका इंस्टॉल हो जाता है। और इंस्टॉल होने के बाद जब आप पावर बीआई को ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा। पावर बीआई ओपन हो रहा है, पावर बीआई ओपन होने में थोड़ा टाइम लेता है, तो थोड़ा सा इंतजार कीजिए। तो यहाँ पे आपका पहला विंडो आता है, तो पहले विंडो में जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं बहुत सारे वीडियो जो बाकी लिंक दिख रहा है, बट आपके नहीं आया क्योंकि जब तक आपके पास आएगा लॉगिन करने का। तो जो आपने माइक्रोसॉफ्ट की जो पावर बीआई की आईडी बना रखी है उस आईडी से आपको इसको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद इसको जो यहाँ से क्लोज करेंगे
तो क्लोज करने के बाद आपका इस तरह का आपका पावर का विंडो है। इसमें क्या क्या है, कैसे है, ये हम आपको आगे एक क्लास में सुनना है। तो मेरे साथ वीडियो इसी तरह बने रहे। मेरे चैनल पे आपको डेली ग्रुप में आपको 5 से 10 वीडियो मिलती है पावर बी आई टैबलू टेलीफोनिक सपोर्ट मिलता है आप लोगों को। आपकी तरह की प्रॉब्लम होती है, जिस तरह की कुछ इंक्वायरी है, कुछ डाउट है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर ऊपर स्क्रीन पे दिख रहा होगा, वहां से आप मुझे कॉल कर सकते हैं। साथ में आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाए कि नहीं किया है तो जल्दी से कीजिए, ताकि जैसे मैं अपलोड करूँ आपके मोबाइल पे तन तन की गलती बच जाए, नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए जल्दी हो जाए। और साथ में ना मोबाइल नंबर आप सेव कर लीजिए, कभी भी मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, टेलीग्राम कर सकते हैं, मैं आपके लिए हमेशा अपना फोन ऑन करके रखूंगा। और साथ में आप हमारे साथ ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट ictindia.com जो कि नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ है उस पर क्लिक कीजिए और उसके जाके डेमो क्लासेस का फॉर्म भर दीजिए। दूसरा पांच क्लास में साथ डेमो लीजिए, अगर अच्छा लगता है तो ज्वाइन डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।